इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेट्रोज टैबलेट इनफर्टिलिटी के इलाज में भी मददगार है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक लाभ पाने के लिए इसे लगभग एक ही समय पर लें। कितनी खुराक कैसे लेनी है यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यकता है। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक डॉक्टर ने कहा है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट हॉट फ्लैश, थकान, ज्यादा पसीना निकलना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है। अगर आप इनसे परेशान हैं या स्थिति गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपका डॉक्टर इन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। यदि आपको कभी लीवर या किडनी की बीमारी हुई है या ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का पतला होना या डैमेज होना रहा है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। इलाज से पहले और उसके दौरान विटामिन डी के स्तर या बोन डेंसिटी की जांच के लिए आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर सकता है। लेट्रोज टैबलेट के फायदे। स्तन कैंसर का इलाज। लेट्रोज टैबलेट स्तन में गांठ, निप्पल से खूनी स्राव, स्तन के आकार या बनावट में परिवर्तन जैसे स्तन कैंसर के लक्षणों से राहत देता है। यह शरीर में उन हार्मोन के उत्पादन को बदलकर काम करता है जो विकास तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और स्तन कैंसर का फैलाव करते हैं। यह अन्य हार्मोन को प्रभावित कर सकता है या कैंसर की वृद्धि को रोकने के लिए उस पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। एनोव्यूलेशन के कारण बांझपन का इलाज। लेट्रोज टैबलेट महिला के अंडाशय में एक अंडे के सामान्य विकास में मदद करता है और ओव्यूलेशन नामक प्रक्रिया के दौरान अंडे को निकलने के लिए प्रेरित करता है। यह महिलाओं में बांझपन के इलाज में मदद करता है। इससे सफल गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बेहतर असर के लिए दवा का इस्तेमाल निर्देशों के अनुसार ही करें। लेट्रोज टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। लेट्रोज के सामान्य साइड इफेक्ट। थकान, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा पसीना निकलना, हॉट फ्लैश। लेट्रोज टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। लेट्रोज टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।